हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पवन डीएलएड की चतुर्थ सेमेस्टर की सीरीज लेके आए हैं, और इसमें सामाजिक अध्ययन में हम 1857 ईस्वी के क्रांति के, यानी कि 1857 के रिवॉल्ट के जो भी क्वेश्चन हैं, उन सभी को हम पवन सीरीज के कंप्लीट कर रहे हैं, जिनकी दो वीडियोस पहले ही अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, आज हम कवर करेंगे उसकी वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आगे आने वाली मैथ्स, साइंस और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला है यार प्रश्न, 1857 ईस्वी का प्रथम स्वाधीनता संग्राम में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु क्या प्रयास किए गए? जी हाँ, देखो लास्ट जो हम कर चुके थे ये वाला क्वेश्चन लास्ट की वीडियो में, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का नेता बहादुर शाह जफर का को क्यों घोषित किया गया? चार कारण हमने बता दिए थे। अब आज की वीडियो में ये क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने ये बोला है कि 1857 ईस्वी का प्रथम जो स्वाधीनता संग्राम था, उसमें स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु क्या प्रयास किए गए थे, क्या क्या प्रयास किए गए थे उसके बारे में हमें बताना है। तो देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु जो प्रयास किए गए, उसमें सबसे पहला है, 1857 की क्रांति के बाद सैयद अहमद बरेलवी ने, कौन? सैयद अहमद बरेलवी, जी हाँ, सैयद अहमद बरेलवी ने उत्तर पश्चिमी कबायली प्रदेशों में सियाना को स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य केंद्र बनाया। तो 1857 की जब क्रांति थी, उसके बाद सैयद अहमद बरेलवी जो थे, उन्होंने पश्चिमी कबायली प्रदेशों में सियाना को स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य केंद्र बनाया। सियाना को भारत में इसका मुख्य केंद्र पटना था, भारत में जो इसका मुख्य केंद्र था वो क्या था? पटना था। उसके बाद सेकंड है, बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में, कौन सा? छोटा नागपुर, जी हाँ, छोटा नागपुर क्षेत्र में सन 1890 के दशक में मुंडाओं का विद्रोह हुआ। किनका? मुंडाओं का विद्रोह हुआ, और जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। किसने? बिरसा मुंडा ने किया। शीघ्र ही यह विद्रोह दबा दिया गया और बिरसा मुंडा को जेल में डाल दिया गया। जी हाँ, उसको जेल में डाल दिया गया था। अगला है थर्ड, थर्ड ये कह रहा है हमसे कि महाराष्ट्र में सन 1879 में वासुदेव बलवंत वुड़के ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र आंदोलन चलाया। जी हाँ, महाराष्ट्र में सन 1879 में वासुदेव बलवंत वुड़के ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र आंदोलन चलाया। नेक्स्ट है फोर्थ, फोर्थ ये कह रहा है कि सन 1839 में, कब? सन 1839 में सतारा में नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ने सैनिकों को संगठित किया, इकट्ठा किया, बादामी किले पर अधिकार कर लिया, लेकिन अंग्रेजों ने यह विद्रोह भी दबा दिया था। अंग्रेजों ने क्या किया? यह विद्रोह भी दबा दिया था। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के संगठन को हमें समझाना है। तो देखो, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो संगठन हुआ, उसमें इस आंदोलन में संगठनकर्ताओं में पेशवा का दत्तक पुत्र, कौन? पेशवा का दत्तक पुत्र नाना साहब। ये अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि पेशवा का दत्तक पुत्र कौन था, तो नाना साहब, जिन्हें धुंधु पंत भी उनका नाम था, वकील अजीमुल्ला खां और सतारा के अपदस्त राजा के वकील रांगो बाप, कौन? रांगो बाप, तथा अवध के पदच्युत नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल और उसका वजीर अली नकी मुख्य थे। मुगल सम्राट बहादुर शाह और उसकी बेगम जीनत महल का क्रांतिकारियों को पूर्ण समर्थन प्राप्त था। क्रांति का प्रमुख केंद्र नाना साहब का गढ़ बिठूर था। नाना साहब की पेंशन के संबंध में उनके वकील अजी मुल्ला खां को, कौन?
अजीमुल्ला खां को कहाँ जाना पड़ा? इंग्लैंड जाना पड़ा। वहाँ उनकी मुलाकात रांगो बापू से हुई। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। भारत लौटकर उन्होंने क्रांति की तैयारियां आरंभ कर दी। क्रांति के लिए तिथि बताया सबको 31 मई 1857 का दिन निश्चित किया गया। हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ने मिलकर बहादुर शाह का साथ देने का निर्णय किया। नाना साहब ने भी देशी नरेशों से क्रांति में सम्मिलित होने का आग्रह किया। साधु संन्यासियों तथा फकीरों के वेश में क्रांतिकारियों ने यात्राएं करके क्रांति का संदेश जन जन तक पहुंचाया। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन के संदर्भ में मुस्लिम धार्मिक आंदोलन के विषय में लिखिए। क्या है? धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन के संदर्भ में मुस्लिम धार्मिक आंदोलन के विषय में लिखिए, या फिर मुस्लिम समाज के सुधार के लिए कौन कौन से आंदोलन किए गए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, अहमदिया आंदोलन और देवबंद आंदोलन। देखो, मुस्लिम समाज के सुधार के लिए निम्न आंदोलन किए गए। सबसे पहला वहाबी आंदोलन। सर्वप्रथम सैयद अहमद बरेलवी ने मुस्लिम समाज और धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। कैसा? सर्वप्रथम सैयद अहमद बरेलवी ने मुस्लिम समाज और धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। सेकंड है अलीगढ़ आंदोलन। इस आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान ब्रैकेट में 1817 से 1893 ईस्वी थे। इस समय मुसलमानों का एक वर्ग जिसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खां कर रहे थे, सरकारी संरक्षण एवं सहयोग प्राप्त करने के पक्ष में थे, जिससे मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार कर रोजगार वृद्धि की जाए ताकि मुस्लिम समाज की दशा में सुधार हो सके। थर्ड है देवबंद आंदोलन। 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता आंदोलन के बाद देवबंद मुस्लिम आंदोलन का केंद्र रहा। इस आंदोलन के दो उद्देश्य थे, पहला कुरान तथा हदीस की शिक्षाओं का प्रसार करना तथा बी दूसरा विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना बनाए रखना। अगला है फोर्थ अहमदिया आंदोलन। सन 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद 1838 से 1908 तक इनका काल रहा था, ने आंदोलन की शुरुआत की। वे पर्दा प्रथा, बहुविवाह तथा तलाक के समर्थक थे। इनकी पुस्तक का नाम बराहीन ए अहमदिया है। अगला क्वेश्चन है फराजी आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत हाजी शरियत उल्लाह ने की थी। इस आंदोलन को फरायदी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके मुख्य और इस्लाम धर्म की सच्चाई पर था। इस आंदोलन का कार्य क्षेत्र मुख्यतः पूर्वी बंगाल था तथा इसकी मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र की मुस्लिम आबादी को सामाजिक भेदभाव एवं शोषण से बचाना था। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुके हैं सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पीय है, तो आप उन्हें जरूर देखिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय गाइस।